दिल्ली में बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद शासन के निर्देश पर कुंभकर्णी नींद सोया हुआ झांसी जेडीए विभाग एक्शन मोड में है। जेडीए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 बेसमेंट सील किए हैं। अब देखने वाली ये बात है कि जेडीए की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी या फिर आज सिर्फ खानापूर्ति के लिए की गई है। कानपुर के थाना किदवई नगर के एच ब्लॉक में जसवंत सिंह और सीयूटी में कार्यरत सुबह अपने घर से रोज की तरह ड्यूटी के लिए निकले थे, तभी पीछे से एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हादसे के विरोध में राहगीरों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिजनौर के कीरतपुर सऊदी अरब से एक महीने बाद मोहम्मद तालिब का शव जब उसके गांव पहुंचा तो वहां के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गमगीन माहौल में मृतक तालिब के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। कानपुर के नवाबगंज थाना स्थित जागेश्वर मंदिर का दंगल पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि भारत वर्ष में बड़ा ही मशहूर है। यहाँ पर इस बार 306वां दंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें पूरे भारतवर्ष के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र पांडे ने बताया कि इस दंगल में मशहूर पहलवानों ने भी अपना जोर आजमाया है। वहीं विधायिका नीलिमा कटियार ने कहा कि ये दंगल ऐतिहासिक दंगलों में शामिल है और यूपी की शान है। कानपुर में बीते दिनों नाबालिग छात्रों की गाड़ी से हुई एक्सीडेंट को लेकर कानपुर पुलिस स्कूलों में जाकर एक कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक कर रही है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने एक स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान बच्चों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के जजबाव पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 ई रिक्शा भी बरामद हुए और पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर पहले से ही कानपुर के कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हमीरपुर के बेतवा नदी में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया है। नदी में मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। नदी किनारे टहल रहे सैलानियों ने वीडियो बनाकर मगरमच्छ का सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने लोगों पर नदी गिराने जाने से रोक लगा दी है। हरदोई में 3 साल की एक मासूम बालिका से रेप के आरोपी बालिका के सगे ताऊ को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज ने भरी अदालत में सुनाया और कहा कि जब तक दुष्कर्म करने वालों की मौत न हो जाए तब तक उनको फांसी पर लटकाया जाए। इसके साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर रेस्क्यू पूरे दिन भर जारी रहा। इस दौरान कुल 1,500 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जहां हेली के जरिए 519 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, वहीं 584 यात्रियों का पैदल रेस्क्यू हुआ है। अब तक कुल 11,573 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। आज से ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने थैलीसेड़ ब्लॉक के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के घाटमपुर थाना क्षेत्र के हाफिजपुर निवासी बदलू कुरैशी ने जमीन कब्जे को लेकर मंडलायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। मंडलायुक्त के निर्देश पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों ने पुलिस के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर पैमाइश शुरू कराई और चिन्हीकरण किया। बता दें, बदलू कुरैशी और मोहम्मद उमर खान का एक मुकदमा जो घाटमपुर तहसील में चल रहा था, जिसमें राजस्व कर्मियों द्वारा पैमाइश सही ढंग से नहीं करवाने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। सहारनपुर में बढ़ रहा प्रदूषण, ईंट भट्टा चिमनी से जहरीला धुआं निकल रहा है। सूत्रों की माने तो पॉलिथीन, प्लास्टिक, चप्पल आदि ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा कर मंडलीय अफसरों के साथ बैठक की और विकास कार्यों की जानकारी ली।